लास्ट क्लास में हमने जहाँ आपको छोड़ा था फर्स्ट पार्ट में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो देखते हैं आगे क्या है। हमने लास्ट क्लास आपको क्या क्या था, फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये बताया था। देखो जैसे मान लो कि 16x² लिखा हुआ है, सही है ना, एंड 15xy लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नंबर लिखा है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ऐसा नंबर डालता हूँ जिससे कॉमन आ जाए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 14 डाल दिया, सही है। अब ये एक टर्म लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, हमको करना है इसको फैक्टराइज, समझ रहे हो ना। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या किया गया, फैक्टराइजेशन का तरीका हमने क्या देखा कि भैया जैसे देखो 4 है ना, या 6 है, चलो 6 लेते हैं, ठीक है। 6 क्या है, 2 × 3, और यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, मतलब प्लस में क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 से आपने डिवाइड लगाया, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 6 आया, रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो ये दोनों उसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब है कि हम सीधा सीधा ये माइंड मेकअप करके चल सकते हैं कि जिसका भी हमको फैक्टराइजेशन करना है ना, उसको क्या करो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ला के रख दो, ठीक है, और वो आपको फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास तरीका क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले तरीका क्या है कि कॉमन लेने का तरीका है, बाकी तरीका कुछ नहीं होता है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। और देखने के बाद जिस भी तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ला के रख सकते हैं, ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। कि फैक्टराइजेशन आपको करना है तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के खड़े में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करोगे तो कम से कम 2 टर्म्स आएंगे, है ना। तो उसको यहाँ पे है ना, इसका अगर ब्रेकडाउन करोगे तो आपको लगा आ सकता है ना। लेकिन कहने का मतलब कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है तो आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमको उसको जा करके रख देना है, ये सबसे बेसिक बात है, ठीक है। चाहे वो आप जिस भी तरीके से करो, सही है। जैसे अलग अलग हम मेथड पढ़ेंगे, मेथड कुछ नहीं है, सही है ना, मेथड कुछ नहीं होता है, हमको हमारा जो मेन चीज़ है ना, जिस भी तरीके से वो आ जाए, हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जा करके रख दो उसको, ठीक है भाई। देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाकर रखने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या करें, कैसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है, सही है ना। कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन है। जैसे देखो नंबर की अगर हम बात करें, नंबर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये 2 × 8 होता है और ये 2 × 7 होता है। तो कहने का मतलब है कि नंबर में दोनों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। और एक्स और वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे क्या है, xy है ना। लास्ट में आपको इसको तोड़ के सिखाया था, जैसे 2 × ये इसको अगर प्रॉपर तोड़ा जाए तो कम्प्लीटली इसको तोड़ा जाए तो 2 × 2 × 2 आएगा, x² है तो, है ना, ये वाला प्लस 14 को क्या है, 2 × 7 प्राइम फैक्टराइजेशन x एंड क्या होगा भाई, y होगा, ठीक है। मैं बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता रखा था कि ये टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है वो देखो आप, दोनों में कॉमन नजर आ रहा है क्या, हमको 2 इसमें भी दिख रहा है और 2 इसमें भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, सही है। अब हमको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 1x यहाँ पे दिख रहा है और 1x यहाँ भी दिख रहा है दोनों बक्सा में, तो 1x को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या इसमें, 4x बचा, ठीक है, और इसमें क्या बचा, 7y बचा, प्लस का 7y। देखो 10 × 10 हो गया फैक्टराइज, ठीक है। तो यहाँ तक का बात हमने लास्ट क्लास को किया था। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि फैक्टराइजेशन करना है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ें चलना चाहिए कि भैया उसको हमको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखना है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखने का मतलब है कि रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये दोनों उसका फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या भाई, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये और ये दोनों, इस ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल लिखा हुआ है उसका क्या है भाई, फैक्टर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मज़ेदार तरीके से, समझ रहे हो। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आर्य सरवाल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, जो आपको देखने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, सही है ना। अब हमको करना एक ही चीज़ है भैया, कि क्या करना है, उसको कॉमन हमको लेने आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल देता हूँ आपको, डिफरेंट वाला टर्म वाला, तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन फिर मुझे नजर आ रहा है, 2a + 6b, ओके 6b - 3, ठीक है, a + 3b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, 3 टर्म है, समझ में आ रहा क्या।
और तीनों टर्म को ध्यान से देखोगे, हमको करना क्या, फैक्टराइज करना है, तीन टर्म है फैक्टराइज करना है। तो हम देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन है। देखो इसमें तो कुछ कॉमन है, दो कॉमन है, लेकिन अगर हम इसमें दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हुआ, ये अकेला ही रह जाएगा। तो क्या ये सारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमको नजर आएगा, नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स जो है ना वो मल्टीपल के रूप में आपको दिख जाए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दिख जाए, ठीक है। उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको देखो अगर हम इसमें से दो, इस दोनों में से दो अगर बाहर निकाल देना, इसमें से दो बाहर निकालिए तो क्या बचेगा बताइए, ए बचेगा यहाँ पे, और इसमें से दो बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे थ्री बचेगा, और बी तो निकला नहीं तो ए प्लस थ्री बी, और इधर क्या लिखा हुआ है, थ्री ए प्लस थ्री बी, ठीक है। इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये दो बार होता है। अगर आप इसका मतलब देखो तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, चलो मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। स्क्वायर का मतलब, जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, एक्स इंटू एक्स, उसी तरीके से इस होल टर्म का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दिस इंटू दिस, ठीक है, ए प्लस थ्री बी इंटू ए प्लस थ्री बी। अब ध्यान से देखोगे ना तो देखो यहाँ पे हमको एक टर्म नजर आ रहा है, और इधर ये एक टर्म दूसरा टर्म नजर आ रहा है, सही है। अब इस दोनों को ध्यान से देखोगे तो तुम क्या करोगे, ये बक्सा तुमको सेम नजर आ रहा होगा, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना ए प्लस थ्री बी, और इधर भी क्या है ए प्लस थ्री बी, ये आपको कॉमन दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। तो देखो ए प्लस थ्री बी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते भाई, समझ में आ गया। अगर आपने यहाँ पे इस पूरे टर्म से ए प्लस थ्री बी को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे टू बचेगा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, क्योंकि वापस से जब हम मल्टीप्लाई करें हमको ये चीजें मिलनी चाहिए रिवर्स गियर में जाकर के, समझ रहे हो। अगेन अब देखो आगे क्या करते हैं, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये बाहर निकल गया तो ये थ्री बचा, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा, है ना, थ्री। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हो, है ना, यहाँ पे क्या बच गया, एक डब्बा आपने बाहर निकाल दिया तो एक डब्बा बचा ए प्लस थ्री बी, सही है, यस क्लियर। अब देखो इसको हम दिस इंटू दिस हो गया तो फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन देखो इसके अंदर और भी सिंप्लीफाई होने वाला है ना, तो आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, ए प्लस थ्री बी, ठीक है, एंड दिस इज टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस थ्री ए एंड माइनस थ्री का बी, नो नो थ्री थ्री या नाइन, है ना, नाइन का बी। देखो दिस इंटू दिस, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब ये इसका क्या है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना ये क्या है, इसका फैक्टर है, और ये वाला भी क्या है, इसका फैक्टर है, समझ में आ गया, हो गया फैक्टराइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन करोगे, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सही है ना, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमको दिमाग इस तरीके से चलाना है कि दो या दो से ज्यादा जो है ना हमको मल्टीप्लिकेशन को, सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिख जाए। देखो दिस इज कल टू लिखा हुआ है, दिस मतलब ये और ये इक्वल है, जब वापस से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा, तो जब वो वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीजें मिलने वाला है, सही है ना, आपको ये चीजें मिलने वाला है जब आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो। लेकिन क्योंकि इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया तो ये इसका फैक्टर कहा जाएगा, सही है, ओके। इसको इस वीडियो को देखने वाले जो देखो, मान लो कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, तो इससे पहले आपको फर्स्ट बार जाकर के देखना पड़ेगा चैनल पे, ठीक है, चैनल का नाम आपको पता है फालतू मैथ्स, ठीक है। तो वहां पे जाकर के आप इसको क्या करो, एक बार फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए, उसके बाद ये पार्ट देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो फिर आप हमें कॉन्टेक्ट करो, कॉन्टेक्ट मैंने आपको दिया था, कॉन्टेक्ट नंबर 790 है ना 3395423, या फिर आप चैनल पे जाकर के आप हमें आई डी भी ढूंढ के कर सकते हो, ठीक है, फालतू मैथ्स एट द रेट gmail.com, सही है, आप यहाँ पे जाके क्वेरी कर सकते हो। चलो देखो आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सही है। यहाँ देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ भी कुछ सीखने को मिलेगा वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अच्छा वीडियो बहुत लंबा नहीं बन पाएगा, ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 12, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 2x - 3y
2x-3y। अरे देखो आप बेसिक चीज पे आ जाओ, बेसिक चीज अगर सीख जाओगे ना तो लेवल हम अपने आप ही बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इन द बिगनिंग हमने लिया था, अब मैं आधे सवाल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आधे सवाल का हो, आरडी शर्मा का हो, या ठीक हो, डजंट मैटर। ठीक है, इस लेवल का 2x-3y का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, -16। ठीक है, 3y और क्या लिखा हुआ है, -2x। सही है, हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप टर्म पहचाना सीखो, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, हमको क्या करना है, कॉमन, जैसे आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो इसके बाहर के नंबर में 12 लगा हुआ है, यहाँ पे इस शर्त के बाहर में कितना 16 लगा हुआ है, तो इसके में हम कॉमन ढूंढेंगे। सही है ना, कि क्या कॉमन है, क्योंकि फिलहाल हम इस पर कॉमन ही ले सकते हैं, कॉमन निकाल के इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ला सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में चल वही रहे कि भैया हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जाके रख देना है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है फैक्टराइजेशन करने का। सही है, तो इसमें तो हमें कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन हमेशा हम लेते हैं भाई मैक्सिमम, समझ रहे हो ना, कॉमन मैक्सिमम लिया जाता है। ठीक है, जनरली कॉमन मैक्स जो भी हम कॉमन लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉमन ही लेते हैं। ठीक है, अब जनरली क्यों बोला हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो हमें उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ता है, तो वो एक्सेप्शनल केस एक तरीके से हो गया। जनरली अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये चीज़ अभी मैं कर चुका हूँ, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब दो बार लिखा हुआ है, दिस इंटू दिस, है ना। और यहाँ पे जब आप इसको देखो, यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यही इस क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में यही खास बात है। ठीक है, देखो क्या खास बात है, कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x-3y, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2y-2x, सॉरी 3y-2x, यहाँ पे 3y निगेटिव है और यहाँ पे 3y पॉजिटिव है, समझ रहे हो, यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, इसके पहले कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे निगेटिव है, मतलब तो साइन का उल्टा है, तो सेम रहेगा तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे ना भाई, या एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम बनाना पड़ेगा। तो जवाब तो यहाँ पे क्या हमको हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या हम इसको सेम कर सकते हैं इसके जैसे, या तो इसके जैसा कर लो, इसको इसके जैसा कर लो, है ना, तो तभी वो कॉमन आएगा। तो देखते कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं, उसको कर लेंगे। अब चलो देखो मैक्सिमम कॉमन का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो यहाँ पे ये 2 × 2 × 3 है, 2 × 4 and 4 × 3 = 12, सही है ना, और ये 2 × 2 × 2 × 2 है, 2 × 4 = 8, 2 × 16, सही है। तो मैक्सिमम कॉमन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे देखो इसमें हम कॉमन ये एक दो भी ले सकते थे, है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन है, मैक्सिमम कितना कॉमन है, 2 × 2 इसमें भी है मैक्सिमम, और 2 × 2 इसमें भी मैक्सिमम है, इसके अलावा उसमें और कुछ कॉमन ही है, तो हम इसको कह रहे हैं मैक्सिमम कॉमन। तो हम कॉमन कितना लेंगे, 2 × 4, तो बाहर से 4 निकल गया, सही है। अंदर की अगर हम बात करें तो देखो 2x-3y लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे हम आ रहे हैं तो हमको तकलीफ हो रहा है ना भाई, क्या तकलीफ हो रहा है, देखो तकलीफ ये हो रहा है कि ये उल्टा है ना। उल्टा कहने का मतलब है कि इसके साइन अपोजिट है, तो क्या हम साइन को ठीक सीधा कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस एक कॉमन ले रहे हैं, इसमें से माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो जब आप इसमें से माइनस को बाहर निकालोगे ना, तो इसमें से आप माइनस बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस एक था और आपने इसमें से माइनस बाहर निकाला तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने से होगा क्या, देखो ऐसा करने से क्या होगा, समथिंग मिशिंग, देखो यहाँ पे कुछ इधर मैंने, अबे डस्ट कहाँ गया, देखिए हमने क्या किया, 4 कॉमन लिया ना भाई। ठीक है, 4 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचा, 4 जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 3, सही है। अब यहाँ देखो क्या है, नंबर में हमने 4 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 3 बच गया, 4 × 3 = 12, ठीक है, और इसको तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, 3y² सही है। यहाँ देखो ये चीज़ हमको सिखाना है आपको, अगर हम इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 - ये और इसमें से माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसमें से 4 बाहर निकल गया तो 4 बचा, 4 × 4 = 16, ठीक है, और क्योंकि आपने इसमें से माइनस को बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x-3y, ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो इसको मैं आपको अलग से सिखाता हूँ, 3y-2x, ये हमारा दिया हुआ है, सही है, इधर माइनस है, नंबर की बात अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसको हमको सीधा करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 1 - ये है और 1 - आपको पता है, -(-) क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तो प्लस हो गया,
लेकिन जब आप इसमें से माइनस बाहर निकालोगे, अब इसको डिटेल में समझाने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या समझा सकते हैं। देखो ये प्लस है तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख दे, क्या कोई दिक्कत? क्योंकि हमको एक माइनस बाहर चाहिए ना, और ये माइनस है तो इसको माइनस इंटू प्लस लिख दे, बताओ कोई दिक्कत? ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो हमको माइनस बाहर निकालना है तो इसको यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस को क्या हम माइनस इंटू माइनस लिख दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, सही है। अब देखो हमको इसमें से एक माइनस बाहर चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इसके साइन को उलटना है और माइनस बाहर लेने से ही उलटेगा ये, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसमें से माइनस बाहर निकाला, सही है। ये माइनस बाहर निकल गया और इसमें से ये माइनस बाहर निकल गया, तो ये दोनों माइनस एक तरीके से हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। अब इसमें से एक को माइनस बाहर निकल गया, देखिए माइनस बचा, तो अब ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब हमारा थ्री वाई निगेटिव हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिखो वहाँ लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें से आपने माइनस बाहर निकल दिया तो बचा क्या? ये प्लस, अब ये प्लस हो गया, सही है। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसमें से मैंने माइनस बाहर लिया, ये उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? बस आपको ध्यान ये रखना कि जब भी हम माइनस को बाहर लेंगे अंदर वाले का साइन बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में ये माइंड मेकअप करके रखना है, ठीक है, कि हर बार हम ये चीज़ें नहीं करेंगे रख के, ठीक है। हम जब भी माइनस बाहर साइन निकालेंगे ना तो क्या होगा, उसका साइन उलट जाएगा, बस इतना सवाल है, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे फोर, ठीक है। इसमें अभी देखो ये फैक्टराइज नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है, मैंने इसको एक डबल स्टेप ले लिया है, चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ये हमारे अंदर अब देखो ये डब्बा जो है ना वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो हम डब्बा को बाहर निकाल दिए, टू एक्स माइनस थ्री वाई, ये एक डब्बा बाहर निकल गया। इसमें दो डब्बा है, एक डब्बा बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? देखो यहाँ पे थ्री बचा ये वाला, और इसमें से एक डब्बा भी और भी बचा हुआ है, टू एक्स माइनस थ्री वाई, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डब्बा आपने बाहर निकाल दिया भाई साहब, तो यहाँ पे क्या बचेगा? फोर बचेगा भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ओके। इसको मैं मिटाता हूँ, अब इसको नोट डाउन कर लेना, और समझ में अगर नहीं है तो मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, इधर आप मेल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने टोटल क्या कॉमन ले लिया, दिस इंटू दिस फोर, इसको भी आप बाहर निकाल दो, जो भी कॉमन वाला पार्ट है बाहर निकाल दो, दिस इज टू एक्स माइनस थ्री वाई, सही है। एंड अंदर में क्या बचा, देखो ये इसको यहाँ पे बंद करो इसको, सही है। अब देखो क्या हुआ, अब अंदर में आपके पास क्या बच रहा है, अंदर में आपके पास बच रहा है मल्टीप्लीकेशन के साथ दिस इज थ्री, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो ये सिक्स एक्स माइनस बताइए नाइन वाई प्लस का फोर, देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस हो गया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया, दैट इज आवर आंसर, सही है। इसको मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये भाई मोटा मोटा क्या कि हमने क्या करना है, इसको सीधा करना सीखा, ठीक है। सीधा कैसे करते हैं, माइनस को कॉमन ले लो, है ना, बल्ले बल्ले तरीके से क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। जब बल्ले बल्ले तरीके से सीधा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, कॉमन ले लो, बात हो जाएगा ख़त्म, ठीक है, मामला सेटल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो भाई। तो आसान आसान सा चीज़ है भाई, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कॉमन लेने वाला जो है ना उसकी कहानी आज ख़त्म कर दें, टाइम हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जल्दा रहेगा, समझ रहे हो ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, पर एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लो, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। यहाँ पे रेगुलर बैच चलने वाला है, आपको पता है रेगुलर बैच चलने वाला है, मतलब रेगुलर कॉन्सेप्ट, मतलब एक एक चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एक आखिरी सवाल करते हैं, ए बी स्क्वेयर है ना, ए बी स्क्वेयर और क्या लिखा हुआ है, देखो भाई माइनस बी सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस सी स्क्वेयर, माइनस ए बी प्लस का सी स्क्वेयर, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, हमने करना क्या है, चार टर्म यहाँ पे देखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार टर्म। अब हम इस टर्म को आपस में इस तरीके से अरेंज करें कि क्या हो जाए, वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाए, बस इतना सा दिमाग लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर एक साल जब सारा मेथड कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम मिक्सअप क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर आएगा मजा वहाँ, समझ लो ना। अभी तो हम एक पार्टिकुलर मेथड्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है, तो आप मेथड मत दिमाग में घुसाओ, मेथड घुसाओगे तकलीफ होगा,
ठीक है, जो मूल बात है ना जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो बात ये है कि फैक्टराइजेशन का जो सबसे फंडामेंटल चीज है कि भैया जिस भी तरीके से हो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाके रख दो। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाके रखने का मतलब है कि वहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब जीरो है, और जब रिमाइंडर जीरो है तो भैया वो दोनों फैक्टराइजेशन कहलाएगा, क्योंकि जब आप उसे उससे डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर आपको जीरो दे देगा। ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था प्रॉपर इस चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर बोले तो टॉपिक में फैक्टराइजेशन। आइए देखते हैं क्या है। फिलहाल देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हमको अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो एक हम ढूंढ सकते हैं कि भैया किस में सुटेबल कॉमन है। अगर आप इसकी बात करो तो देखो उसमें हमको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, इसमें भी बी दिख रहा है तो बी कॉमन है, ठीक है। अब इसको इसको कॉमन लेगा तो इसमें कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, सही है, लेकिन अगर हम इसको और इसको देखें और इसको इसको देखें तो देखो इसमें इसमें कॉमन नजर आ रहा है सी और इसमें इसमें कॉमन नजर आ रहा है बी, तो हम फंडामेंटली क्या करेंगे उसी को करेंगे। क्योंकि अगर आपने मान लिया इसमें से आप इसको कॉमन तो आपने ले लिया, ठीक है, इस दोनों में कॉमन बी ले लिया तो इसमें हम कुछ कॉमन ही नहीं ले पाएंगे, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा, मतलब फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। तो बस इतना सा हमको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि किसके साथ किसको हम कॉमन ले ताकि क्या हो भाई हमारा फैक्टराइजेशन हो जाए, सही है। तो आसानी से जब मैंने इसको देखा ध्यान से तो पता चला कि भैया इसको इसको कॉमन लेने में फायदा रहेगा मुझे, ठीक है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, इस जस्ट लाइक अ गेम, ओके, कि आगे क्या होगा नहीं पता, बाकी करके देखते हैं। फिलहाल हमको इतना तो नजर आ रहा है, सही है ना। चलो तो ये किया तुम्हारा ए बी स्क्वायर, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, पहले इकट्ठा कर लेते हैं जिसको जिसको कॉमन लेना है, ये ए बी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या है बोलो, मैक्सिमम कॉमन है देखो इसमें बी है, इसमें भी बी है, ए बी है, तो हम ए बी को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बी, सही है, और यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, जब आपने पूरा ही बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा वन बचेगा, दिस इज ए बी इंटू वन, ठीक है, ए बी इंटू वन, तो ए बी जब पूरा बाहर निकले, अब कहोगे सर पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पे जीरो बचना चाहिए था, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में हुआ जीरो है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जीरो कर देंगे भाई साहब तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्या यहाँ पे जीरो है, नहीं, तो इसका जो कॉफिशियंट है एक्चुअली में जनरल भाषा में बात करें तो कॉफिशियंट इसका वन है, तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे सी कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो प्लस सी कॉमन लेना है कि माइनस सी कॉमन लेना है, ये भी हमारे पास एक मुद्दा है, ठीक है ना, ए बी बी माइनस हमने क्या किया ए बी कॉमन ले लिया, ठीक है, और इस दोनों में क्या कॉमन है देखो सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वन निगेटिव आना चाहिए तो अगला वाला टर्म निगेटिव, तो हम यहाँ क्या करते हैं माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बी बचेगा, माइनस हमने इसमें से बाहर निकाल दिया तो प्लस बचा, और इसमें से माइनस बाहर तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो यहाँ पे वन बचा। अब देखो ये डब्बा सेम हो गया, ठीक है ना, बी माइनस वन, ठीक है, और इसमें से जब आप इसको बाहर निकालें तो यहाँ पे ये बचेगा, मतलब ये भी बचेगा, ये वाला माइनस सी स्क्वायर बचेगा, देखो दिस इंटू दिस हो गया फैक्टराइज, क्या समझे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि भाई फैक्टराइजेशन करने के लिए उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाकर के रख दो, यही सबसे फंडामेंटल चीज है जो अब मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, तो अपने आप को कनेक्ट करो, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखेंगे, आपको और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।